बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरते ही राशिद खान रच देंगे इतिहास, तोड़ेंगे विश्व रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार से एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है। इस मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कमान युवा स्पिनर राशिद खान के हाथों में होगी। मैदान पर उतरते ही राशिद खान टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास रच देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरते ही राशिद खान टेस्ट इतिहास में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। राशिद खान 20 वर्ष 350 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में कप्तानी करने उतरेंगे। इसके साथ ही वो टेस्ट इतिहास में सबसे कम उम्र के कप्तान बन जाएंगे। राशिद खान को वर्ल्ड कप 2019 के बाद गुलबदीन नाइब की जगह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। राशिद से पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने के मामले में पहले स्थान पर जिम्बाब्वे के ततेंदा ताइबू हैं। ताइबू ने 20 वर्ष 358 दिन की उम्र में टेस्ट टीम की कप्तानी की थी। ताइबू पहली बार वर्ष 2004 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में कप्तानी करने उतरे थे, लेकिन अब राशिद खान उन्हें पीछे छोड़कर ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बता दें कि ये दोनों टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अपना पहला मैच खेलेंगे। कप्तानी को लेकर राशिद ने कहा, मैं काफी रोमांचित हूँ, यह नई भूमिका है और मैं सकारात्मक रहकर खेल का पूरा मजा लेने की कोशिश करूंगा। सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान 20 साल 358 दिन ततेंदा ताइबू, जिम्बाब्वे 21 साल 77 दिन नवाब पटौदी, भारत 22 साल 15 दिन वकार यूनिस, पाकिस्तान 22 साल 82 दिन ग्रीम स्मिथ, दक्षिण अफ्रीका 22 साल 115 दिन शाकिब अल हसन, बांग्लादेश